हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक 8:30 के आसपास का। मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे फीवर लग गया है। और ये देखिए, मैंने कल मेहंदी लगाई थी, स्पॉट शो रहा था चिप्स खाने के लिए। तो मैं कल ब्लॉग कोई ब्लॉग कल का नहीं बनाई हूँ, ऐसे ही हो गया क्योंकि मेरा ना कल से ही तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो गई थी। ये स्पॉट के लिए चिप्स पहले से इसको फाड़ देती हूँ, मतलब आँखें अगर सोता है ना, गला थोड़ा सा खराब होना, जुकाम हो जाना, ऐसे हो गया है। कल बिल्कुल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं सोची थी चलो थोड़ा थोड़ा करके, नहीं एक ब्लॉग तो कंप्लीट 10 मिनट का कंप्लीट कर लूंगी शाम तक। लो खा लो। और यहाँ दे दी हूँ मैं बाबू को चिप्स दे दी हूँ। और ये वाले हाथ में भी मैंने मेहंदी लगा लिया है, लेकिन मैंने इधर का तो पूरा लगा हुआ है, अभी तो मैं निकाली भी नहीं हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, इधर देखिए लग गया है। मैं इधर का तो मैं ना मेहंदी भी नहीं निकाली हूँ, ऐसे ही। मैंने इतनी ठंड लगने लगी थी मेहंदी लगवाने के बाद कि मैंने ऐसे जस्ट पहन लिया और मैंने देखा भी नहीं। और एक हाथ में मतलब बिल्कुल इतनी नींद आ रही थी, इतनी थके हुए थे हम लोग कि इसमें बस मैंने ऐसे ही लगवाया। और ये मैं आज लगवा लूंगी। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, सो मैं इस तरीके से ना बांध के रखी हूँ। बहुत ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। बाबू की भी तबीयत खराब थी, वो उसको तो मैं बताई थी कि उसको जुकाम वगैरह सब कुछ पहले से ही है। लेकिन कल मैंने सोचा कि यार पता है, वीडियो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, लेकिन तबीयत खराब की वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि पता है ना। और मेरा इस टाइम पे घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, आप लोग इसको इग्नोर करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है शादी वादी जब भी घर में होती है तो मतलब सारा जो घर है ना बिखरा होता है। कहीं सामान, मैं आपको इधर का सामान दिखाती हूँ, ये देखिए इधर का कैसे कबाड़े जैसा हुआ है। ये मेरे भाई का बैग है, वो अपना सामान लेके आया है। इधर भी उसके कुछ सामान है, इधर देखिए कैप वगैरह सब रखे हुए हैं स्पॉश के लिए और प्रिंसू के लिए, उधर सामान है। इधर देखिए सब उनके कपड़े हैं। बैक साइड में मैं आपको दिखाऊंगी ना, वहाँ पे देखिए इधर ब्रीफ केस रखे हुए हैं, इधर सिलेंडर रखे हुए हैं। तो पूरा घर जो है ना ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बाबू खा लो जल्दी जल्दी, फिर खाना। और खाना अभी बन रहा है, खाने में आज आलू गोभी की सब्जी बन रही है इस टाइम पे। और अभी हमारे घर में जो मेड है वो नहीं आई है अभी, अब पता नहीं कब आएंगे। तो खाने में वही आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, यही बन रहा है। और आपको ठंड नहीं लग रही है परी? सानवी, सानवी और परी दोनों नाम है मेरे, मुँह से कभी सानवी भी निकलता है कभी परी भी निकलता है। इनको ठंडे स्पर्श को तो मैं दो दो स्वेटर पहना रखी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एकदम ऐसे ऐसे हो रही हो। और इसी वजह से मैं देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट्स में अभी ओढ़ के अभी बैठी हुई हूँ। और शाम का कल बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ था, जैसे गाना वाना सब लोग आए हुए थे, गाना गा रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब शाम का जो माहौल था ना बहुत अच्छा था। जीजू भी शाम को आए कल, और दीदी, क्योंकि दीदी कपड़े जो थे ना बेंगलोर से, वो शॉपिंग नहीं कर पाई थी, यहीं पर आके उसने शॉपिंग करी। मतलब लहंगा वगैरह स्टिच वगैरह नहीं करा पाई थी, क्योंकि वहाँ कोरोना का बहुत ज़्यादा कोरोना कोरोना कोरोना, तो वहाँ से शॉपिंग बिल्कुल नहीं करी थी। और ये आए हुए थे, ये चले गए थे कल मॉर्निंग में, कल चले गए थे, फिर आज शाम को आ जाएंगे या फिर कल आ जाएंगे, क्योंकि कल ही शादी है। और वैसे तो पहले थी कि आज ही वो है मटकोर शाम को, उसके बाद हल्दी कथा जो होता है वो सारी जो रस्में थी वो आज ही होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। फिर पंडित जी बोल रहे, क्योंकि आज है संडे, और संडे को फिर कल शाम को पंडित जी आए थे तो बोले कि नहीं संडे को ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो कल होगी। तो कल सुबह सुबह 5 बजे होगी, पता नहीं 5 बजे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि एकदम अंधेरा अंधेरा में कहाँ वीडियो बन पाएगा, तो पता नहीं क्या हो गया यार, नहीं जानती। पहले तो ऐसा लग रहा है कि बस ठीक हो जाऊं, इतनी ठंडी लग रही है ना बाहर। स्पर्श बार बार बाहर झूले पे भाग रहा है। क्या खा रहे हो बेटा? चिप्स। अच्छा, और सानवी को नहीं दिए? चिप्स खा रहा है। चलिए बाद में थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड करती रहूंगी। यहीं पे था, पुलथीन में है ये। बड़ा अच्छा, ये देखो बेटा, ये स्पॉट का कैप है, ये वाला दिखाऊं क्या? निकालो किधर से, इधर से। अच्छा, ये स्पॉट का कैप, ये देखो, ये स्पॉट तो दूल्हा बन गया। इसको सब हटाओ किसी रूप में, कोई नहीं है। दो बेटा दे दो, स्पॉश दे दो, निकाल दो, अब निकाल दो, दो। ये कितना प्यारा लग रहा है स्पॉश का टोपी, ये कितनी तो नहीं है, चीज नहीं है तो कैसा लगेगा? इसको हटाना चेयर पे, देखो।
अभी इस टाइम पे सारे लोग इसी रूम में थे क्योंकि कुछ ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे जितने भी कैप थे वो मैं देख रही थी क्योंकि ये कल आया था, मैं दिखा नहीं पाई थी। अभी मैं इसी रूम में बैठी हुई थी और इसी पॉली बैग में यहीं पे रखा हुआ था। तो मेरे भाई का जो मोजरी है जो शेरवानी पर डालना है वो खो गया है, पता नहीं कहाँ रख गए हैं, तो उसको सब ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे इसी रूम में रखा हुआ था लेकिन पता नहीं फिर कहाँ निकल गया, जब सामान निकाले ना उसी चक्कर में ना वो भी निकल गया है रूम से। और ये जितने भी कैप हैं ये सबके लिए, हमारी फैमिली में मतलब इनके लिए है, जीजू के लिए है, मेरे ससुर जी के लिए, दी के ससुर जी के लिए, और मतलब जिनको जिनको पहनाना है वो सारे कैप आए हैं। और स्पेशली दो डिफरेंट कैप हैं प्रिंसू के लिए और स्पर्श के लिए, तो उन लोगों के थोड़े से अलग हैं लेकिन साइज़ अभी चेंज करवाना पड़ेगा। मैंने अभी चेक किया तो स्पर्श में भी थोड़ा सा ना वो ज़्यादा फिट हो रहा था, तो मैंने बोला कि चेंज कर दो, तो भाई जाएगा फिर चेंज करने के लिए। और ये सारे सामान थे बारात के लिए जो जयमाल के टाइम पर ये सब यूज़ करने हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। तो जयमाल की भी वीडियो में बस बहुत ही जल्दी आने वाला है, अब मैं डेली रेगुलर वीडियो डालने वाली हूँ। और कल ही शादी हमारे घर में, लेकिन फंक्शन 3-4 हैं, सो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे दोपहर का टाइम था, बाहर थी मैं, और यहाँ पे झूला झूल रहे थे परी बाबू, और यहाँ पे भाई है मेरा जिनकी शादी है, तो वो ऐसे टॉवल ओढ़ के फिर बैठा हुआ था क्योंकि उसको हल्दी भी लग गई है। और अभी थोड़ा सा जैसे उपटन वगैरह होता है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा ही नहीं, एक दो बार ही लगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, उसको भी बाहर निकलना पड़ रहा था। यहाँ दी बैठी हुई है, मेहंदी इनका भी आधा लगा हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं कलश वगैरह, वो लेके आए हुए हैं क्योंकि जब हल्दी वगैरह चढ़ेगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आगे के फंक्शन में ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, लेकिन इसमें भी रस्म होता है, जब ये लेके आएंगे तो इसका थोड़ा जो रस्म होता है वो निभाना पड़ता है, इनको कुछ देना पड़ता है। और ये जो कलश आया हुआ है इसमें पानी भराएगा, और साइड में मम्मी ने ना आंवला का अचार डाल के रखा है, ऐसे ही हल्दी और नमक मिक्स करके बहुत सारा आंवला मेरे भाई लेके आया था क्योंकि उसका जो वहाँ पे फ्लैट है उसके आगे आगे पीछे सारा कुछ लगा हुआ है, तो बहुत सारा उसने लेके आया था, आधा तो ख़राब हो गया है। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मम्मी अभी अंदर हैं, वो अंदर से आएँगी फिर ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी अभी। यहाँ पे जो भी रस्में थी वो ख़त्म हो चुकी है, और थोड़ी देर बाद सारे हमारे घर के गेस्ट आ जाएंगे क्योंकि कल शादी है। तो दोपहर में, और ये सुबह सुबह का था, मतलब दोपहर की 11 बजे के आसपास का कुछ टाइमिंग था। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और भाई मेरे से ना कुछ बातें कर रहा था, और किचन में जो यहाँ पे सामान आए हुए हैं, बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें सब मैं इकट्ठे कर रही थी क्योंकि इधर उधर पापा ला के रखे हुए थे तो उसको सही करना था। और मैं स्पर्श के लिए यहाँ पे ड्राई वाली आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रहा है, कल भी बिल्कुल खाना नहीं खाया और इस टाइम भी खाना नहीं खाया वो। तो मैं बोली कि सोची कि चलो एक बार बना के मैं आलू की ड्राई वाली सब्ज़ी देखती हूँ, हो सकता है कि इससे खा ले, पता नहीं कि वो खाना ही नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है आलू की सब्ज़ी,
और उसको मैं अभी वॉश कर लूँगी और कढ़ाई अभी रख दूँगी मैं, और उसके बाद मैं इसको बना के देखती हूँ कि वो खाता है कि नहीं खाता है, क्योंकि जब बच्चे नहीं खाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो वैसे तो सब्ज़ी जो बनी है ना मॉर्निंग टाइम में वो खा ही नहीं रहा है, दो तरह की सब्ज़ी बनी हुई है लेकिन वो नहीं खा रहा है, तो मैं इसीलिए मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि वो नहीं खाएगा तो फिर रोता रहता है, चिड़चिड़ करना है और पेट भरा रहेगा तो वो थोड़ा सा खेलेगा भी। और आप लोग देख रहे हो मेरी आंखें कितनी सूजी हुई है और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, मैं सोची कि बाद में ही अब नहाऊंगी, इस टाइम पे मन भी नहीं कर रहा था, ठंडी लग रही थी मुझे। वैसे तो धूप है बाहर, हमारे घर में जो आगे जगह है बालकनी जैसा वहाँ पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरे क्या चीज क्या बोल रहे हो क्या बेटा बोलो ये क्या लिए हो क्रीम ये कहाँ से उठा के लेके आए हो बेटा हाँ ये कहाँ से लेके आए हो बोलो दिखाना यहाँ पे अभी प्रिंसू खेल रहा था अभी बाहर गया है वो यहाँ पे नीचे हमारे जो नीचे वाला फ्लैट है वहाँ पे सामान रखा हुआ था, ये प्याज का पूरा बोरी है, तो कुछ सामान यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पे शादी है, मतलब हमारे घर से शादी नहीं हो रही है, होटल बुक किया गया है वहाँ से हो रही है, तो वहाँ पे अभी से कुछ सामान जाने लगा है, क्योंकि हम गेस्ट तो सारे हमारे ही रहेंगे जो भी हमने इनवाइट किया है, लड़की वाले लोग तो गेस्ट नहीं रहेंगे, वो लोग पूरी मतलब फैमिली सिर्फ आएंगे शादी के लिए यहाँ पे, यहाँ से आके शादी करेंगे। तो यहाँ पे पापा बोल रहे थे प्रिंसू के ना चिक में दाल लगा हुआ था, वो खाया था अभी दाल चावल, तो वो लगा हुआ था, पापा बोल रहे थे कि साफ कर दो उसको, नहीं तो फिर वो तो उसके बाद यहीं पे मैं खड़ी थी बरामदे में ही, तो मैं नीचे का भी थोड़ा सा शूट कर रही थी, और उसके बाद अब भी बोल रहे पापा कि नीचे चलो कुछ काम है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे धूप में थोड़ी थोड़ी धूप थी यहाँ पे तो मैं बैठी हुई थी, और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। मैं बोल रही थी कि प्रिंसू अभी से अपनी शादी में इन्वाइट कर रहा है सबको, क्योंकि बोल रहा है ना कि मामा की शादी में मैं आया हूँ तो सबको मेरी शादी में आना है, तो दी वही बोल रही थी कि नहीं आएंगी नानी जी नहीं आएंगी दूर है इसलिए, तो यहाँ पे हाई कर रहा था प्रिंसू और काफ़ी यहाँ पे मज़े आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे गाना बज रहा था बैकग्राउंड में, तो मैं अभी म्यूट करके फिर वही चीज़ें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे बातें क्या चल रही नीचे, और उसके बाद अभी मम्मी नीचे से ऊपर आ रही है, मैं अभी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं बताई ना कि कुछ काम है नहीं। और इस ब्लॉग को मैं ये पेंट करती हूँ, इवनिंग में मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगी तो ज़रूर देखिए।